उतरवा दो पुलिस की वर्दियां, लगवा दो अदालतों में ताले, क्योंकि बिहार में जस्टिस अब ऑन द स्पॉट मिलने लगा है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं मानो कानून जैसी कोई चीज ही नहीं है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको सही तरह से दिखा भी नहीं सकते और बताते हुए भी हमें शर्म और झिझक महसूस हो रही है। बदलते भारत की दिशा में बिहार की यह घटना सचमुच हैरान करने वाली है, जहां एक शख्स पर चोरी का शक होने मात्र पर उसे रस्सियों से बांधकर नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च पाउडर भर दिया गया। इतना ही नहीं, वीडियो में जब कुछ लोग लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करते हैं तो दूसरे कहते हैं कि थाने में नहीं देंगे, थाने वाले छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि पुलिस इतनी निकम्मी और नाकारा हो चुकी है कि लोगों को उससे न्याय की उम्मीद तक नहीं रह गई है और वो खुद ही कानून को हाथ में लेने लग रहे हैं। गाड़ी चोरी किया, मोटरसाइकिल चोरी किया, बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़े कर दिए। वही मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चली है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर लिखा है, बिहार में तालिबान राज, बीजेपी एनडीए बिहार में सत्ता में मौत से है, इसलिए जातिवादी गोदी मीडिया मौन है। हम और हमारा दल दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसलिए जातिवादियों को हमारा शासन हमेशा जंगल राज नजर आता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये भाजपा का बिहार है, अब किसी भाजपा वाले का खून नहीं खौलेगा, अब कोई नोएडा का चैनल इस अमानुषिक और दरिंदगी को नहीं चलाएगा। अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश सरकार चला रहे होते तो बिहार में सारे कैमरा दौड़ पड़ते और जंगल राज आ गया होता। सरकार बर्खास्त करने की मांग भाजपा वाले लोग और राज्यपाल कर चुके होते। बहरहाल मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। वायरल वीडियो हुआ था जिसमें अमानवीकृत करते हुए एक वायरल वीडियो को फिर हम लोगों ने जांच में भेजा। जांच के उपरांत पाया गया कि वो अररिया थाना अंतर्गत इस्लाम नगर का है और उसके बाद हम लोगों ने कांड दर्ज करते हुए उसमें तुरंत अरेस्टिंग करी है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी हम लोग पहचान करके उसमें भी अरेस्टिंग करेंगे। अब तक सर कितने अरेस्ट हुआ है? सर एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, बाकी लोगों की हम लोग पहचान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।